ये हमारी दूसरे वाली भिंडी भी तैयार हो चुकी है। पहले वाली भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने पहले वाली जो तैयार की हैं, इसकी आप आवाज़ सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी हैं। इसे आप भिंडी पकौड़ा भी कह सकते हैं, क्रिस्पी भिंडी भी कह सकते हैं। बहुत क्रिंची और क्रिस्पी तैयार हुई है और मज़े की तैयार हुई है। आधा तो मेरा बेटा वैसे ही खा चुका है, अब मैं दूसरी निकाल लेती हूँ। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी भिंडी। पहले मैंने भिंडी का सालन बनाया था और आप लोगों ने कमेंट्स किए थे कि हमें क्रिस्पी भिंडी बनाना बताएं जो बेसन के साथ तैयार होती है, तो आज हम क्रिस्पी भिंडी तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी भिंडी बनाने के लिए आप लोग देख सकते हैं, पहले कुछ भिंडियाँ मैंने काट के रख ली हैं। ये मैंने हाफ के जी ली थी और इसका इस तरह ये वाली साइड काट लेनी है और थोड़ी सी ये वाली साइड भी काट लेनी है। और जब ये लेनी है तो देखनी है थोड़ी छोटी हो और बिल्कुल सॉफ्ट सी भिंडी हो। तो ये सॉफ्ट सी है, लेकिन पहले मैंने नीम गर्म पानी करके इनको वॉश कर लिया है, इस वजह से कि इसकी चिपचिपाहट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, मिट्टी अच्छी तरह उतर जाती है। पंखे के नीचे मैंने रख दिया था, बिल्कुल ये देखा है ड्राई है। तो अभी मैं इस तरह पूरी कट कर लेती हूँ। ये देखिए पूरी भिंडियाँ मैंने इस तरह काट ली हैं। अभी लेंगे हम 4 चम्मच, ये जो खाने का चम्मच होता है, ये 4 चम्मच हम बेसन ले लेंगे। बेसन मैंने पहले छान लिया है, बेसन छान के ही इस्तेमाल कीजिएगा, गर्मी चल रही है तो कुछ सुंडी वगैरह बीच में ना जाए। ये हमने ले लिया और अभी हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, ये खाने के 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच भर के आपने ऐड करने हैं। 2 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ये 1 टीस्पून काली मिर्च है और ये 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून भर के ये मैं धनिया पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। ये एंड में मैं, ये कश्मीरी मिर्च है तो ये मैंने कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच भर के लिया है। ये कश्मीरी मिर्च जो मैंने ऐड की है ये सिर्फ कलर के लिए होती है, वैसे ज़्यादा तीखी नहीं होती। ये सारे स्पाइसेस जो मैंने इसमें डाले थे बेसन में तो अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं, इसे हम साइड पे रख देते हैं। ये भिंडी जो हमने काट के रखी थी इसे बॉल में ऐड कर देते हैं। ये बेसन जो है ये हम इस भिंडी पे डाल देंगे, ये सारे स्पाइसेस जिसमें मैंने मिक्स किए थे। तो अभी अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी लेकिन आप चम्मच से ऐड कर दें या हाथ से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना, 2 से 3 चम्मच ऐड कर देने हैं इस तरह करके। अब इसको हाथ से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह बेसन की कोटिंग हो चुकी है, तब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। चूल्हे की फ्लेम मैंने मीडियम और मीडियम लो के दरमियान में रखी हुई है। ये देखिए बस इतना गर्म होना चाहिए। अभी इसमें एक एक पीस करके हम इसमें ऐड कर देंगे। ये इस तरह मैं एक एक पीस करके इसमें ऐड कर रही हूँ कि जब इकट्ठी हम ऐड करते हैं तो उसमें एक एक पीस अलग करते हैं तो उसका मिक्सचर जो होता है वो उतर जाता है। तो हम कोशिश करें कि पहले ही हमने एक एक पीस इसमें ऐड करना है। ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने इन्हें ऐसे छोड़ दिया था, अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। ऐसे ऐसे इनकी साइड चेंज करनी है। 1 पाव तकरीबन मैंने इसमें ऐड कर दी और 1 पाव मैं दोबारा कर लूँगी। ये हमारी दूसरे वाली भिंडी भी तैयार हो चुकी है। पहले वाली भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने पहले वाली जो तैयार की हैं, इसकी आप आवाज़ सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी हैं। इसे आप भिंडी पकौड़ा भी कह सकते हैं, क्रिस्पी भिंडी भी कह सकते हैं। बहुत क्रिंची और क्रिस्पी तैयार हुई है और मज़े की तैयार हुई है। आधा तो मेरा बेटा वैसे ही खा चुका है, अब मैं दूसरी निकाल लेती हूँ। ये पूरी भिंडी मैंने फ्राई कर ली है। अगर इस तरह आप खाना चाहते हैं, मतलब ये रोटी के साथ चावल के साथ नहीं खाई जाएगी, ये वैसे ही खाते हैं, इस पर थोड़ा सा आमचूर पाउडर लें और थोड़ा चाट मसाला लें, स्प्रिंकल करके खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। लेकिन थोड़ा सा और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसकी सॉस तैयार कर रही हूँ। सॉस बनाने के लिए ये एक मीडियम साइज़ मैंने प्याज ले लिया है, इसको बारीक बारीक कट कर लिया है, इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। ये प्याज हमारे थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं और इसमें जो ऑयल मैंने ऐड किया था वो सिर्फ 2 टेबलस्पून ऐड किया था, इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना। 2 अदद मैंने ये टमाटर ले लिए थे, इसको भी बारीक बारीक कट कर लिया है तो ये इसमें ऐड कर देती हूँ। और ये 2 मैंने हरी मिर्च ले ली है तो ये भी इसमें ऐड कर देते हैं, ये मैंने बारीक बारीक कट कर ली थी। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड करना है। ये इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ, जैसे कि 1 टीस्पून मैं इसमें धड़ा मिर्च ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा चटपटा मसाला बनाने के लिए। और थोड़ा सा ये धनिया पाउडर पहले ही मैंने इस्तेमाल किया तो भी थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी।
और थोड़ी सी ये मैं कश्मीरी मिर्च ऐड करूंगी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे। मसाले तो हमने पहले भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये सॉस में थोड़ा सा चटपटा इनका टेस्ट आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब थोड़ा सा इनको सॉफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे, जैसे मैंने 2 पिंच इस्तेमाल किए है, तो ये इस तरह ऐड करें, अच्छी तरह मिक्स करें इसमें। और मैं अभी इसे निकाल लेती हूँ क्योंकि और इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा पानी वगैरह नहीं है। ठीक है, तो एक साइड पे मैंने वो रख दी है भिंडी, और दूसरी साइड पे मैं इसे निकाल लूँगी। आप पराठे के साथ खाना चाहते हैं, चावल के साथ खाना चाहते हैं, और साथ भिंडी लें और ये मसाला इसमें मिक्स करें, और ये बहुत टेस्टी लगती है चावल के साथ, तो आप ज़रूर बना के खाइएगा। मैं डिश आउट कर लेती हूँ। हमारी मज़ेदार क्रिस्पी भिंडी तैयार है, और साथ हमने सॉस भी तैयार कर दिया है कि आप चावल के साथ भी इसे खा सकें, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है, इसको घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा, मुझे कमेंट से बताइएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।